मेरे मन में इस बात का बड़ा दुख है, अपना डिपार्टमेंट है, अपनापन होता है। मुझे समझ नहीं आया जब आयोग ने पहले से ही प्रमोशन में आरक्षण वाली नीति, जब उसके विरुद्ध कोई अभी आदेश आया ही नहीं भारत सरकार की तरफ से, तो इन्होंने सारी सीटें जनरल से कैसे भर ली। ये अपनापन हमें बड़ा महसूस होता है कि हमारे साथ हमेशा भेदभाव होता है। साथियों, मैंने जब से इस डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया तब से मैं देखता आ रहा हूँ, लोग बताते हैं बैकलॉग है, कहीं वैकेंसी बेस है, कहीं पोस्ट बेस है, लेकिन इस डिपार्टमेंट को पता नहीं है यहाँ के लोगों को क्या इतराज है, इन लोगों को क्या दिक्कतें हैं कि ये लोग SC ST के हितों की रक्षा क्यों नहीं करते, उनके हितों को क्यों मार खा जाते हैं, क्यों जनरल वालों को दे देते हैं। मेरी समझ में नहीं आया आज तक, और इसके लिए हम हमेशा, हमारा काम अच्छा है, हम सबसे बेहतर काम करते हैं, उसके बाद भी हमारे साथ ये भेदभावपूर्ण रवैया चुपचाप हो जाता। कहीं सियार लिख देते हैं, ये भी सुधार अभी थोड़ी दिन पहले ओपी गौतम जी ने करवाया है कि अब सियार देखी जाए। मेरी तो 5 CR इन्होंने गुड़ ही लिख दी थी जब मैंने यही का एग्जाम क्वालिफाई किया, तो गुड़ CR तो एज वेल एज बैड होती है, बैड जैसी होती है, इससे ऐसी CR लिखते हैं जिससे कोई प्रमोट ना हो जाए, लोगों का कोई भला ना हो जाए। पता नहीं क्या इन कुछ जन्मजात ही ऐसे लोग हैं मनोवादी मानसिकता के, जो लोग इनका भला नहीं चाहते हैं। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी AE2 JTS में बिल्कुल साफ था कि 80 वैकेंसी बैकलॉग की थी और उन्हें जनरल वालों से इन्होंने भर दिया है, और ना रोस्टर देखा गया, ना ही एलिजिबिलिटी लिस्ट पहले दिखाई गई है। 1 महीने पहले 2 महीने पहले हमने एलिजिबिलिटी लिस्ट को देखा है, आती है, लेकिन इन लोगों ने तो ना तो चुपचाप, पता नहीं क्या जल्दी थी इन्हें, और सारा का सारा सारी घपलेबाजी है। इसका जितना भी विरोध किया जाए वो कम है। साथियों, ये धरना प्रदर्शन हम कर रहे हैं, इसके बाद भी हम करते रहेंगे, क्योंकि हमें न्याय चाहिए। मैं ज़्यादा ना कह के थोड़ी सी इतना ही कहूँगा कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, और अभी 323 वैकेंसियाँ इन्होंने जो जिसमें SC की बैकलॉग की 80 वैकेंसी थी वो भी जनरल से भर दी है।